नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों मुझे एक मेल एक्चुअली मिला जिसमें कभी कभी उस भाई से जो है मेरी मेल पर बात होती है, तो उन्होंने मुझे लिखा एक्चुअली कि दादा आप जो है ज़्यादातर शाक्त पूजा पद्धति के बारे में बताते हैं और दूसरे कई विषय के बारे में बताते हैं, धूप सेवा पूजा आदि भी आप जो है उसके ऊपर केंद्रित करके बताते हैं, पर आप अपने वैष्णव भाइयों के लिए अलग से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं या फिर उसके ऊपर कोई विशेष वीडियो नहीं बनाते हैं। जो लोग लक्ष्मी नारायण पूजा करते हैं, जो लोग जो है जुगल सरकार की पूजन आदि करते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है किसी भी प्रकार के ऐसी कोई शाक्त संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय इस तरह के विषयों को सोचकर जो है मैं बनाता हूँ। जब जिसका एक्चुअली डिमांड आता है और जो विषय जो है मैं सोचता हूँ कि इस समय जो है इसके ऊपर बनाना सही होगा, उस विषय को लेकर मैं भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही जो है मैं उस विषय के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। वैसे ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत रिसर्च करता ही रहता हूँ। उस विषय को लेकर जो है मैं बस अपनी समझ को क्लियर करता हूँ, क्योंकि दूसरों को बताने के लिए अपनी समझ को पूर्ण तरह से क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं बस उतना ही करता हूँ। तो वही जो करके जो है जिस प्रकार से डिमांड आता है उस प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसे विषय नहीं है कि जो है मैं केवल जो है मेरे शाक्त भाई बहन के लिए ही बनाता हूँ और जो वैष्णव है उनके लिए नहीं बनाता हूँ, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है भाई, किसी भी प्रकार के ऐसी कोई विषय नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली ये शाक्त बोल लीजिए या वैष्णव बोल लीजिए, ये मूल रूप से तो भावना के ऊपर निर्भर करता है। ये यहाँ पर इसे ना किसी संप्रदाय या फिर इस प्रकार से जो है केवल ये देखना कि जो ही ये पूजा पद्धति, आप शाक्त पूजा पद्धति में भी आप देखिए वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं जगह पर जो है वो वैष्णव पूजा से किसी ना किसी रूप में जो है उसके लिंक ज़रूर आपको दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस भावना के अंतर होते, कोई जो है शाक्त पंथा के साथ मतलब उनके बस कुछ रिचुअल्स जो है वो बस अलग हो जाते, तो ये भावना है मूल रूप से। इसमें जो है ऐसे विषय बिल्कुल अपने मन में मत आने दीजिए। और कई लोग मुझे एक्चुअली ये भी कहते हैं कि आप जो है शैव तंत्र के ऊपर जो है या फिर शिव पूजा के ऊपर और दूसरे जो भी सारे गणपत आदि है उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते, उसके ऊपर भी धूप आदि बना सकता। धूप के ऊपर तो मैं बना सकता हूँ, धूप के ऊपर आप गणपत बोलेंगे या फिर जो है शैव बोलेंगे या फिर जो है सौर्य बोलेंगे, तो उसके ऊपर जो है मैं बना सकता हूँ। उसके ऊपर मेरा एक्चुअली जो नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा जो है उसके ऊपर है और वो मैं क्लियरली आप लोगों को समझा पाऊँगा और बता भी पाऊँगा। पर अगर विस्तारित रूप से जो है कई सारे विषयों के बारे में आप कहें कि शैव पूजा के विषय में, गणपत्य पूजा के विषय में, सौर्य पूजा के विषय में, तो उसमें मैं उतना पारंगत नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों कि उसमें जो है मैं सच में उतना पारंगत नहीं हूँ। मैं वैष्णव विषयों के बारे में, शाक्त जो पूजा पद्धति है, वैष्णव जो पूजा पद्धति, उनके बारे में मैं जितना आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास जितना नॉलेज है उस हिसाब से जो है वो विषय जो है वो क्लियर है। पर मैं सच में जो है मेरे स्टडी या फिर मैंने जितने पढ़ाई की है उसमें मैंने बहुत कम ही जो है वो शैव पूजा पद्धति के आधार पर या फिर जो है गणपत और जो शौर्य पूजा पद्धति है उसके आधार पर एक्चुअली किए हैं, तो क्योंकि कम किए हैं इसके ऊपर बोल सकते हैं कि ना के बराबर है, तो इस वजह से जो है मैं उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप धूप के विषय में अगर कोई जानना चाहते हैं, धूप दीप के विषय में, आरती के विषय में, तो हाँ उसके विषय में बिल्कुल बनाया जा सकता है, चाहे वो शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, गणपत्य हो, शौर्य हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर जो है अगर विस्तारित कई वीडियो जो कि अशुभ पूजा के कुछ अलग अलग विधि होते हैं, कुछ अलग अलग विषय होते हैं, गणपति पूजा के कुछ अलग अलग विषय होते, तो उसके बारे में सच में मैं उतना पारंगत नहीं हूँ दोस्तों, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ। पर वैष्णव विषयों के ऊपर वैसे तो मैं बनाता ही रहता हूँ, हर पूर्णिमा पे मैं लक्ष्मीनारायण की पूजा के ऊपर बनाता रहता हूँ। इस बार एक्चुअली स्किप हो गया, क्योंकि इस बार ना परिस्थितियाँ चारों ओर की देख ही रहे हैं आप, तो सारी चीज़ें मिलाकर एक तरह से जो है अब थोड़ा मन भी एक प्रकार से थोड़ा विचलित है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे विश्व में जब इस प्रकार का एक महामारी, इस प्रकार की समस्या चलती है, तो
जो भी हो आपका मन देखिएगा थोड़ा बहुत विचलित हो ही उठता है, तो विषय वही भी है। तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत काम भी जो है, मेरा प्लानिंग भी जो है वो सही तरीके से मैं करके नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। तो जो भी हो, आज जो है मैं आपको वैष्णव पूजा की जो ग्रीष्मकालीन जो धूप सेवा आपको किस धूप से करना चाहिए श्री हरि विष्णु के, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पर वैष्णव या शाक्त इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई विषय में मैं विभेद करके कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे जानकारी में मेरे पास जो विषय क्लियर होता है मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जो कि मैंने आपको कहा अभी कि वैष्णव और शाक्त पूजा पद्धति के विषय में मेरा नॉलेज थोड़ा बहुत है, मतलब जो मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता हूँ, जो मुझमें मेरे पास थोड़ा सा क्लियर है एक्चुअली, वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। तो ये वैष्णव और शाक्त पूजा के आधार पर है, शैव गणपत शौर्य इन पूजाओं के आधार पर जो है मेरा नॉलेज उतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं जो है उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। पर अब देखिएगा मोस्टली मेरे जो वीडियोस होते हैं मैं वैष्णव पूजा और शाक्त पूजा दोनों पूजाओं की ही बात करता हूँ। अब होता है कि एक ही समय थोड़ा बहुत ज़्यादा शायद एक विषय के ऊपर चला जाता है वीडियो, और वैसे तो हमारा देखिए उद्देश्य धूप पूजा आदि का ही है, तो यहाँ पर धूप पूजा धूप सेवा यही मूल रूप से है। तो चलिए यहाँ पर जो है श्रीहरि के जो ग्रीष्मकालीन जो धूप सेवा है वो किस प्रकार से करना चाहिए। वैसे तो श्रीहरि विष्णु को आप जो है तुलसी काष्ठ से धूप सेवा करेंगे, आप जो है जो पीले राल है उसके साथ जो है गुगुल घी के साथ अगर जो है आप श्रीहरि विष्णु के धूप सेवा करते हैं 12 महीने तो बहुत ही अच्छा होता है। पर कुछ कुछ महीने में जो है अगर आप जो है विशेष विशेष कुछ धूप देंगे, जैसे कि महीने मतलब काल में अर्थात ग्रीष्मकालीन हो गया, वर्षा के समय के हो गया, शरद के समय के हो गया, तो अलग अलग जो समय होते हमारे जो 6 ऋतुएँ होते हैं, तो उन अलग अलग समय में जो है दोस्तों अगर हम जो है भगवान को अलग अलग प्रकार से धूप कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ये सेवा का एक भाव होता है। पुरी के मंदिर में दूसरे भी मंदिर मतलब द्वारिका आदि में भी होते होंगे, उस बारे में मुझे उतना नहीं पता है, पर पुरी में जो है ये कार्य किए जाते हैं। श्री जगन्नाथ के जो है ग्रीष्मकालीन एक जो धूप सेवा होती है वो अलग से होती है, और उनके जो वर्षाकालीन जो धूप आदि पूजा के जो सामग्री आदि होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, शरदकालीन जो है वो अलग प्रकार के होते हैं, हेमंतकालीन जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। तो ग्रीष्मकालीन क्योंकि गर्मी का समय होता है, इस समय वैसे ही जो है भगवान को अगर आप चंदन का लेप लगा कर रखते हैं, तुलसी चंदन अगर आप उन्हें चढ़ा कर रखते तो बहुत ही अच्छा है। और इस समय ठंडी धूप भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडी धूप मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है चलिए हम पढ़ते हैं। इस वैष्णव पूजा पद्धति यानी कि हरिभक्त विलास में कहा गया है ग्रीष्मे चंदन सारेन राजस्व फलंग लभेत, अर्थात जो है ग्रीष्मकाल में अगर जो है आप श्री हरि विष्णु के चंदन धूप से सेवा करते हैं तो आपको राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। इसमें स्पष्टता से कहा गया है जो है कि ये एक्चुअली विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार यहाँ पर कहा गया है ग्रीष्मे चंदन सारेन राजस्व फलंग लभेत, अर्थात ग्रीष्मकाल में जो है अगर आप जो है श्रीहरि विष्णु को चंदन सार धूप करते हैं तो आपको राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है जैसे नारियल के छिलके हम जलाएंगे वो कपूर से जला सकते हैं, घी के बाती से जला सकते हैं, कपूर भी वैसे ठंडा होता है तो कपूर से भी हम जला सकते हैं। उसमें जो है हमें राल गुगुल चंदन और थोड़ा सा घी जो है वो अर्पण करके प्रभु को हमें धूप विलास करना है, उनके आरती के समय जो है उन्हें इस प्रकार से धूप करना है। धूप नैवेद्यम में जैसे कि आप जो है अष्टांग या षोड़श जो षड़ंग धूप होते जो 6 प्रकार की जो धूप होते वो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि षड़ंग धूप को सर्वदेवमय धूप कहा जाता है तो वो आप कर सकते हैं। पर विशेषकर धूप विलास में धूप सेवा में भी चंदन जो है उसका प्रयोग तो अवश्य होगा ही। मैं षड़ंग धूप के ऊपर ऑलरेडी तो मैंने वीडियो बना दिया है तो वहाँ पर आप देख ही सकते, उसे चेक कर सकते हैं।
पर जो है मतलब प्रभु को जो है इस समय हम जो है धूप विलास अगर देंगे, क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय होता है, जैसे कि जल धारा दिए जाते हैं, पुष्प जो है वो दिए जाते हैं, चंदन के लेपन प्रभु को दिए जाते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिले। तो धूप भी हमें उस विषय को ध्यान में रखकर ही देना चाहिए, धूप जो है वो भी हमें संपूर्णता से उस विषय को ध्यान में रखकर ही जो है सेवा में देना चाहिए। तो इसमें हम चाहे धूप सेवा करें, धूप नैवेद्यम कर रहे हैं, धूप विलास और धूप आरती में भी जो है हम अगर चंदन के उपयोग करके श्रीहरि के पूजन आदि करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है ग्रीष्मे चंदन सारे न राजस्व फल लभेत, अर्थात ग्रीष्मकालीन आप जो है श्रीहरि विष्णु को अगर जो है श्री विष्णु की आप सेवा कर रहे हैं, जानकी रघुनाथ की सेवा कर रहे हैं, मतलब श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, श्री राम सीता की सेवा कर रहे हैं, आप जो है राधा कृष्ण जी की सेवा कर रहे हैं, गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, शालग्राम शिला जी की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल जी को तो धूप नहीं करना चाहिए, ये कहाँ पर लिखा है कि गोपाल जी को धूप नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि हम उनके बाल भाव से करते हैं तो उनके समय बहुत समय तक हम धूप जला कर नहीं रखते, क्योंकि भावना वहाँ पर ये होती है कि उससे जो है उनके आँख जल सकता है या पर धुएं में थोड़ी समस्या हो सकती है बच्चों को, जैसे कभी कभी होता है, तो भावना वहाँ पर ये रहती है। तो इसमें ऐसा विषय नहीं है कि वहाँ पर आप धूप कर ही नहीं सकते, ऐसे विषय ना कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ कर लिख कर आते, मुझे सच में जो है यहाँ पर एक दूसरे से ये चीज़ें इतना प्रचलित हो जाता है कि लोग समझने लगते हैं कि यही शायद सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है उन्हें धूप सेवा भी कर सकते हैं, आप जो है उन्हें धूप निवेदन भी कर सकते हैं, आप जो है उन्हें धूप आरती भी कर सकते हैं। तो ग्रीष्मकालीन सेवा में आप जो है चंदन सार जो धूप है उसका आप उपयोग करें। तो श्रीहरि विष्णु के पूजन है, इसमें एक चीज़ अगर चंदन का जो उपयोग आप करेंगे उसमें जो है आप सफ़ेद चंदन या फिर जो है पीले चंदन का उपयोग करें, वही सबसे अच्छा होता है। वैसे श्रीहरि विष्णु के पूजन में पीले चंदन सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप राल गुग्गुल अगर थोड़ा अगरू दे पाते तो वो भी अच्छा होता है, राल गुग्गुल अगरू चंदन और घी के साथ जो है श्रीहरि को आप ग्रीष्मकालीन धूप करिए। इससे जो है जो राजस्व यज्ञ किया जाता था वैदिक समय में, जो राजस्व यज्ञ किया जाता था उसका भी फल जो है आपको मिलेगा, आप अगर जो है ग्रीष्मकाल में भगवान को ये धूप करेंगे। वैसे तो ग्रीष्मकाल शुरू हो चुका है और ये वीडियो हम लोग ग्रीष्मकाल में बना रहे हैं, पर जो है मतलब अभी कुछ दिन हो भी गए हैं ग्रीष्मकालीन, पर क्या है उसमें दोस्तों, हम जो है अगर अपने प्रभु की सेवा जो है शुरू करते हैं, वैसे आज ही देखिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आज पूर्णिमा है, तो आप जो है शुरू कर ही सकते हैं, प्रतिपदा से ही शुरू कर सकते हैं या फिर किसी गुरुवार से आप सेवा शुरू कर सकते हैं। श्रीहरि की सेवा जो है आप किसी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, पर ग्रीष्मकालीन आप जो है प्रभु को अगर हो सके तो चंदन सार धूप से अवश्य सेवा करेगा। तो यही था कि ग्रीष्मकालीन जो धूप सेवा आप श्रीहरि को करेंगे उसके विषय में, आप जो है चंदन का उपयोग हर किसी में कर सकते हैं, इसमें धूप निवेदन में भी करिए, सेवा में भी करिए, जो कि मतलब नैवेद्यम आदि है और धूप नैवेद्य में उसमें भी करिए, धूप विलास में भी करिए, मतलब फूलों से आप जो है कई लोग जो है फैन चला कर रखते हैं या फिर जो है जल भर के रखते हैं भगवान के सामने, गुलाब के जल रखते हैं, तो उसी प्रकार जो है जब आप धूप विलास कर रहे हैं उनके तो चंदन सार धूप से ही आप उनके धूप विलास करिए, और आरती में भी चंदन का उपयोग करते हुए ही जो है आप उनके आरती करिए दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है ग्रीष्मकालीन धूप सेवा आपको करना है, अगर ये आप करते हैं तो आपको राजस्व यज्ञ जो है प्रभु के आशीर्वाद के रूप में उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। मूल विषय है कि प्रभु के जो है ना संतुष्टि, ये बहुत बड़ी विषय है। फल तो जो है वो भगवान हमें अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे जो भी अगर निष्ठा के साथ हम करते हैं तो वो उसके उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करते। हमें एक समय लगता है कि हमें नहीं मिल रहा है इस समय, पर उन्होंने जो है सही समय के लिए उसे उठा कर रखा है। तो इसी विश्वास के साथ आप प्रभु के जो है चंदन सार धूप करिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।